आप सभी को जय मसीह की आज के इस नए सुबह और एक और नए दिन के लिए प्रभु की स्तुति हो। आजकल रोज सुबह हम परमेश्वर के चरित्रों पर, उनके गुणों पर मनन कर रहे हैं और आज हम भजन 147:5 से सीखेंगे। भजन 147:5 में भजनकार कहता है, हमारा प्रभु महान और अति सामर्थी है, उसका ज्ञान असीम है। इस कोरोना महामारी में हमने अगर एक चीज़ सीखी है तो वो है कि हम सामर्थ्य नहीं हैं। इसके पहले बहुत लोगों को लगता था कि वो उनके जीवन को चला रहे हैं और उनका जीवन उनके कंट्रोल में है, उनके पास सामर्थ्य है, लेकिन इस महामारी ने इस झूठ को उजागर कर दिया। वचन सिखाता है केवल हमारा परमेश्वर महान और अति सामर्थ्य है, केवल वो ही शक्तिमान है। हमारा परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। इस सारी सृष्टि पर केवल उनका ही पूरी तरह से कंट्रोल है। एक और जगह भजनकार कहता है, जो कुछ वो चाहता है वो करता है, कोई भी चीज उनके लिए मुश्किल नहीं है। परमेश्वर के शब्दों में, वचनों में सामर्थ्य है, इसलिए वो जो बोलते हैं वैसा होता है। उन्होंने इस सारी सृष्टि की रचना भी अपने ही शब्दों से की। सारा संसार और सारी रचना उनकी आज्ञा को मानती है। केवल मनुष्य कभी कभी उनकी आज्ञा को नहीं मानते और उसे ही हम पाप कहते हैं। तो आप पाप की गंभीरता को समझ सकते हैं, लेकिन क्योंकि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, प्रेमी है, वो हमारे गलत चुनावों, गलतियों और पापों को लेकर भी उनकी भली इच्छा को पूर्ण करते हैं। इस संसार में बाय चांस या संयोगवश ऐसे कोई चीज नहीं है। संसार की करोड़ चिड़ियों में से एक छोटी सी चिड़िया भी परमेश्वर की मर्जी के बिना नीचे नहीं गिरती है। और परमेश्वर केवल संसार की बड़ी बड़ी बातों में ही नियंत्रण नहीं रखते या केवल उनमें ही दिलचस्पी नहीं लेते, वह हमारे निजी वैयक्तिक जीवनों में भी रुचि रखते हैं। वचन हमें सिखाता है उसने हमें अपनी माँ के गर्भ में रचा है, बुना है। केवल परमेश्वर ही हमारे जीवन के हर एक दिन को निर्धारित करता है। जब इस संसार में हमारे आसपास कन्फ्यूजन है, अनिश्चितता है, चिंता है, बीमारी है और मौत का डर छाया हुआ है, हमारे लिए ये बात बहुत हिम्मत और आशा देती है कि आज भी हमारा परमेश्वर सामर्थ्य है और सब कुछ अभी भी उसके नियंत्रण में है। आइए इस बात पर मनन करते हुए और अपनी पूरी निर्भरता परमेश्वर पर डालते हुए हम आज का दिन उसे समर्पित करें। आइए हम दुआ करें। हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं। प्रभु जी, हम इंसान सीमित है और इस महामारी में हमने देखा है, महामारी ने हमें दिखा दिया है कि हम एक छोटे से, जो दिखाई भी नहीं देता ऐसे वायरस और विषाणु से भी अधिक शक्तिमान नहीं है। लेकिन हम आपकी स्तुति करते हैं क्योंकि केवल आप ही सर्वशक्तिमान हैं और इस परिस्थिति में भी आप ही संसार पर राज्य कर रहे हैं। और हम सब जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं आपकी संतान हैं और आप ही हमारे जीवनों को चला रहे हैं। और चाहे इस महामारी में हमारी मृत्यु हो जाए या कुछ सालों के बाद हमारी मृत्यु हो जाए, हमारा पूरा विश्वास है कि हम अनंत काल में आपके हाथों में सुरक्षित है। इसलिए हम आपकी स्तुति करते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन।